ओम शांति। आज की तारीख है 20/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए, या यूं कहें नरक बनी हुई सृष्टि को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए सृष्टि पर अवतरित होते हैं और हम बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा दे धारणा कराते हैं। तो आइए सुनते हैं शिव पिता क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भारत जो शाहूकार था, हाँ हमारा भारत सोने की चिड़िया था, तो भारत जो शाहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से शाहूकार बनाते हैं। प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे है? उत्तर है, सबसे खुश नसीब वो है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं, वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुशनसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, कहते हैं कि बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, आप हम सब को स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, सदा इस ही नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे, तभी तो कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। नंबर दो, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है, बाप की याद में रहना है, धारणा कर और औरों की सर्विस करनी है। वरदान शिव सतगुरु बाबा का, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वो कहेंगे कि ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, इससे तो ऐसे अच्छा किया, सर्कमस्टेंसेस बात ही ऐसी थी, अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों से, मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। Thank you.